लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई बड़ी हस्तियां समेत 111 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के बाद बीजेपी ने अपनी पांचवी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 17 राज्यों के 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आंध्र प्रदेश की 6, बिहार की 17, गोवा की 7, गुजरात की 6, हरियाणा की 4, हिमाचल प्रदेश की 2, झारखंड की 3, कर्नाटक की 4, केरल की 4, महाराष्ट्र की 3 और मिजोरम की 1, ओडिशा की 18, राजस्थान की 7, यूपी की 13 और बंगाल की 19 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई। बीजेपी की पांचवी लिस्ट कई दिग्गजों के लिए होली पर खुशियों के रंग लेकर आई तो कईयों का होली का रंग फीका पड़ गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत को टिकट मिला तो वहीं मेरठ से अरुण गोविल को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। पुरी से संबित पात्रा, दुमका से सीता सोरेन और सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दिया गया है। वहीं पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया है, उनकी जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। गाजियाबाद से वीके सिंह की जगह स्थानीय विधायक अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब तक 402 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इससे पहले 4 लिस्ट में बीजेपी के 291 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। तो होली पर आई बीजेपी की पांचवी लिस्ट ने कई सांसदों के लिए रंगों के त्योहार को फीका कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी की पांचवी लिस्ट में कई सांसदों को टिकट नहीं मिला है। बीजेपी के कई वर्तमान सांसद इस बार पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे। बक्सर से बीजेपी सांसद अश्वनी चौबे, सासाराम से सांसद छेदी पासवान और मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद को टिकट नहीं मिला है। वहीं झारखंड में भी 3 सांसदों के टिकट कट गए हैं। दुमका से सुनील सोरेन, चतरा से सुनील सिंह और धनबाद से पशुपति नाथ सिंह को टिकट नहीं मिला है। वहीं यूपी के लिए भी बीजेपी ने 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिनमें से 9 मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया गया है। यूपी में बीजेपी ने जिन सांसदों का टिकट काटा है उनमें गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी, बरेली से संतोष गंगवार का नाम शामिल है। इनके अलावा कानपुर के सत्यदेव पचौरी, बदायूं से संघमित्रा मौर्य, बाराबंकी के उपेंद्र सिंह रावत, हाथरस के सांसद राजवीर सिंह दिलेर, बहराइच से अक्षयवर लाल गौड़ और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल शामिल हैं। वहीं राजस्थान के लिए जारी की गई बीजेपी की 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 3 सांसदों को टिकट नहीं दिया गया है। बीजेपी ने रविवार को लोकसभा की पांचवी सूची जारी कर दी, जिसमें पश्चिम बंगाल के 19 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और सबसे चौंकाने वाला नाम बशीरहाट लोकसभा सीट पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 19 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट रविवार को जारी कर दी, जिसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम बशीरहाट के उम्मीदवार का है। बीजेपी ने बशीरहाट सीट से संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को लोकसभा का टिकट दिया है। उम्मीदवार बनने के बाद रेखा पात्रा ने प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा और महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करने की बात कही। ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি আমার মতো একজন গ্রামের গ্রাম্য মহিলাকে প্রার্থী করার জন্য আর এই সন্দেশখালী বসিরহাট জেলার মা বোনেদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি সর্বদাই মা বোনেদের পাশে থাকব আর ওনাদের হয়ে আমি প্রতিবাদ করব। दरअसल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए 19 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय, संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा और दिलीप घोष के नाम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिनमें से 20 सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान 2 मार्च को किया गया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। कई जगह उम्मीदवारों को टिकट भी मिला, लेकिन बाद में व्यक्तिगत कारण बताकर मैदान से हट गए। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कई उम्मीदवार और नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट गए हैं। गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपना फैसला साझा किया। वीके सिंह ने लिखा कि मैंने एक कठिन परंतु विचारपूर्ण निर्णय लिया है। मैं 2024 के चुनावों में नहीं लड़ूंगा। ये निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु मैंने इसे अपने दिल की गहराइयों से लिया है। मैं अपनी ऊर्जा और समय को नई दिशाओं में ले जाना चाहता हूं, जहां अपने देश की सेवा अलग तरीके से कर सकूं। तो वहीं दूसरी ओर कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई। आप सभी को अवगत कराना है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मैं प्रतिभाग नहीं करना चाहता हूं। इस निर्णय से मैंने माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करा दिया है। बीजेपी ने गाजियाबाद से अतुल गर्ग और कानपुर से रमेश अवस्थी को टिकट दिया है।
हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें कुरुक्षेत्र सीट से टिकट भी दिया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी बदलने की होड़ मची हुई है। इसी सिलसिले में हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, पिछले 7-8 वर्षों से मैं कांग्रेस के अंदर मैं सक्रिय नहीं था और मैं अपने सिर्फ अपने काम के ऊपर मैं ध्यान दे रहा था, और आज जब मौका मिला कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बीजेपी ने नवीन जिंदल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से टिकट भी दिया है। टिकट मिलने पर जिंदल ने कहा कि वो पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे। माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है, उनके मार्गदर्शन के अंदर, उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर उनके सपने को साकार करेंगे। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से साल 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस से सांसद रहे। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर देखिए, कांग्रेस और आरजेडी में अभी भी विवाद चल रहा है। इस सिलसिले में आज दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी, जिसमें सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगेगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 40 सीटों पर घमासान होना है। एनडीए ने सीटों के बंटवारे के साथ प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है, जबकि महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर ही कई पेच फंसे हैं, जिस पर चर्चा के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस नेतृत्व से फाइनल बात करने के बाद पटना जाएंगे, जहां लालू यादव महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस को 6 सीट देने के लिए तैयार हो गई है। दरअसल बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कलह मची हुई है। कांग्रेस के कुछ परंपरागत सीट पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं और सिंबल भी दे दिया है। कांग्रेस बेगूसराय सीट पर कन्हैया कुमार को लड़ाना चाहती है, लेकिन आरजेडी ने ये सीट सीपीआई को दे दी है। पुनिया सीट को लेकर भी टकराव की स्थिति है। बीमा भारती ने इस सीट से आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, जबकि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव भी पुनिया सीट पर दावा कर रहे हैं। तो एक तरफ बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, तो वहीं एनडीए ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल, पूर्वी चंपारण से राधामोहन सिंह, मधुबनी से अशोक यादव, अररिया से प्रदीप सिंह, दरभंगा से गोपाल ठाकुर, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल, सारण से राजीव प्रताप रूडी, उजियारपुर से नित्यानंद राय, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से राम कृपाल यादव, आरा से आर के सिंह, बक्सर से मिथिलेश तिवारी, सासाराम से शिवेश शर्मा, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, नवादा से विवेक ठाकुर को टिकट मिला है। वहीं जेडीयू ने सभी 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। शिवहर से लवली आनंद, सुपौल से दिलेश्वर कामत, मुंगेर से ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, बांका से गिरधारी यादव, गोपालगंज से आलोक सुमन, सीतामणि से देवेश चंद्र ठाकुर, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, भागलपुर से अजय मंडल, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, सिवान से राजलक्ष्मी कुशवाहा, किशनगंज से मुजाही आलम को टिकट दिया गया है। जेडीयू ने अपने 12 मौजूदा सांसदों का टिकट बरकरार रखा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव झाबुआ लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने गजानन महाराज के दर्शन किए और इस दौरान मुख्यमंत्री एक चाय की टपरी पर खुद चाय बनाते भी देखे गए। सीएम ने मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा भी कर डाला। यह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो धार में बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे थे। यहां सीएम मोहन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री अचानक अपना काफिला रोककर एक चाय की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने अपने हाथों से चाय बनाई, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया के सवाल, चाय ने पूरे देश की तस्वीर बदल दी थी, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, आप भी चाय बना रहे हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी भी दुकान थी, पहले हमने भी दुकान में चाय बनाई है, नाश्ता बनाया, आज वो दिन याद कर रहा हूँ तो आनंद आता है। सीएम मोहन यादव रविवार को झाबुआ लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, जहाँ मुख्यमंत्री ने बालीपुर में गजानन महाराज के दर्शन किए। सीएम ने एमपी में सभी 19 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है
के धार हो, झाबुआ हो, खरगोन हो, हर जगह भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता ये तय कर चुकी कि मोदी जी की सरकार फिर आ रही है। मोदी जी को लेकर जो जबरदस्त क्रेज है, फिर एक बार मोदी सरकार। जवाहरलाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर वामपंथी छात्र संगठनों ने जीत हासिल की है और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव के पद पर जीत का परचम लहराया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में करीब 4 साल बाद छात्र संघ के चुनाव हुए, जिसमें वामपंथी छात्र संगठनों ने शानदार जीत हासिल की। जीत के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में जोरदार जश्न मनाया गया। अगर नतीजों पर नजर डालें तो अध्यक्ष पद पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के धनंजय ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उमेश चंद्र अजमीरा को हराया। वहीं दूसरी तरफ उपाध्यक्ष पद पर SFI के अभिजीत घोष चुने गए। महासचिव पद पर बिरसा आम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन की प्रियांशी आर्या ने जीत दर्ज की है। वहीं संयुक्त सचिव के पद पर AISF के मोहम्मद साजिद ने जीत हासिल की। इस कैंपस का छात्र जो तमाम देश के हिस्सों से आता है, उसने बता दिया है कि आप लगातार जो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, फंड कट कर रहे हैं, सीट कट कर रहे हैं, उसके खिलाफ छात्रों ने लेफ्ट को जीत दी है। और 50 साल से एक लेगेसी छात्रों की रही है, लेफ्ट के छात्रों की रही है कि उन्होंने इस कैंपस में इंश्योर करवाया है कि सबसे वंचित तबका सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई करेगा। अध्यक्ष चुने गए धनंजय मूल रूप से बिहार के गया के रहने वाले हैं और वो दलित समुदाय से आते हैं। रविवार की रात को होलिका दहन के साथ ही रंगों के उत्सव होली की धूम है। जगह जगह होली खेली जा रही है। पीएम मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। होली से एक दिन पहले पारंपरिक होलिका दहन के साथ रंगों का महाउत्सव शुरू हो गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में खुद होलिका दहन किया। गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों के साथ फूलों की होली खेली। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि होली जैसे पर्व हजारों वर्षों की विरासत है। सतयुग की जिस कालखंड को दुनिया जानती तक नहीं, उसे हम संजोते हुए अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। हमारा दायित्व है कि विरासत का संरक्षण करते हुए पर्व पर परंपराओं की पवित्रता बनाए रखें। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी फूलों से होली खेली। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मथुरा से आए कलाकारों पर फूल बरसाए। कृष्ण की नगरी मथुरा में तो होली उत्सव की धूम ही निराली है, जहां श्रद्धालुओं पर टेसू के फूलों का रंग बरसाया गया। श्रीनगर में BSF के जवानों ने देश के नागरिकों को एकता का संदेश देते हुए रंगों के उत्सव को धूमधाम से मनाया। वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ में भी ITBP जवानों ने होली मनाई। तो होली पर रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद श्रद्धालुओं ने रामलला के साथ होली खेली, तो वहीं राम को जपने वाले महाकाल से भी उज्जैन में फूलों की होली खेली गई। राम की नगरी अयोध्या में इस साल खास तरह से मनाई जा रही है होली। भव्य उत्सव का गवाह बन रहे हैं श्रद्धालु। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में फागुन महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। रविवार को राम मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। रंगों के त्योहार होली को मनाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के राम मंदिर पहुंच रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, ऐसे में इस बार रामलला की होली बेहद खास है।